नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशिफल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। सफल लोग दूसरों की मदद के लिए हमेशा अवसर तलाशते रहते हैं दोस्तों, और वही असफल लोग कहते हैं कि इससे भला मेरा क्या फायदा। दोस्तों, दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए खुद को पीछे छोड़ देना बेवकूफ़ी होगी। भगवान उसकी मदद करता है जो स्वयं अपनी मदद करता है। जीवन में किसी का जो निंदा मत कीजिए। अगर आप किसी की मदद कर सकते हैं तो उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाइए। अगर आप किसी की मदद नहीं कर सकते तो दोस्तों अपने हाथ जोड़िए, शुभकामनाएँ दीजिए और उन्हें अपने लक्ष्य पर जाने दीजिए। मुश्किल परिस्थितियों में मनुष्य को सहारे की आवश्यकता होती है, सलाह की नहीं। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। दिन राशिफल। दोस्तों, यश में व्यक्तिगत तथा पारिवारिक गतिविधियों के प्रति ज्यादा ध्यान केंद्रित रहेगा। यश में ग्रह स्थितियां आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रही है। दोस्तों, आपको अपनी प्रतिभा व योग्यता को साबित करने का अवसर मिलेगा। संतान से संबंधित कोई भी शुभ समाचार मिल सकती है, जिससे दोस्तों मन भी प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों किसी बाहरी व्यक्ति की वजह से आपको धन संबंधी जो है नुकसान हो सकता है। यश में इस बात का ध्यान रखें कि छोटी से छोटी बात भी बहुत बड़ी विवाद का कारण बनेगा। दोस्तों, अपनी सुख सुविधाओं पर जो है खर्च करते समय अपना बजट का भी ध्यान रखें। मित्रों द्वारा की गई हर बात पर विश्वास रखने की वजह से यश में आपको मानसिक तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, करीबी व्यक्ति द्वारा आपके बारे में बोली गई बातों का असर आपके आत्मविश्वास पर भी होगा। दोस्तों, परिवार से दूरियां बनाए रखना आपके मानसिक स्वास्थ्य के लिए यश में ठीक रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों बच्चों की शिक्षा व फिर करियर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य यश में निपटाने में समय व्यतीत होगा। आपका स्वाभिमान व फिर आत्मविश्वास आपकी उन्नति और सम्मान में सहायक हो रहेगा। दोस्तों, किसी निकट संबंधी से चले आ रहे वाद विवाद यश में खत्म होगा। इसके उपरांत दोस्तों अभी यश में जो है आपके लिए समय होंगे, आर्थिक कसमकस जारी रहेगा, इसलिए दोस्तों धैर्य बनाकर रखना आपके लिए जरूरी होगा। फिलहाल आप अपना एकमात्र लक्ष्य अपनी आर्थिक स्थिरता को बनाने में होना चाहिए। दोस्तों, यश में युवाओं को आर्थिक बातों में जो है आत्मनिर्भरता आना महत्वपूर्ण रहेगा। फिर भी दोस्तों अपनी जीवन शैली को योग्य दिशा में ले जाने के लिए आपको जो है बुजुर्गों का सलाह यश में या फिर उसका मशवरा लेना चाहिए। उन्हें नजरअंदाज यश में ना करें, क्योंकि दोस्तों ये आपके लिए नुकसानदायक रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए जो समय होंगे, किसी भी मुश्किल कार्य को सोच समझकर तथा शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने में भी आप सक्षम रहेंगे। किसी फिर व्यक्ति की मदद व फिर सहयोग से आप जो है समय पर अपने कार्य को यश में पूरा कर सकते हैं, जिससे दोस्तों आपको भी आत्मिक खुशी मिलेगी। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति भी आपका यश में रुझान बढ़ेगा। साथ ही दोस्तों पड़ोसी से संबंधित किसी मुद्दे पर यश में वाद विवाद उत्पन्न हो सकता है और बैठे बिठाए किसी मुसीबतों को आप यश में अपने ऊपर ले सकते हैं। तो दोस्तों इनसे सावधान रहें, अपनी कोई भी योजना किसी के समक्ष सार्वजनिक न करें। ये जो आपके लिए समय होंगे दोस्तों, आपके ऊपर कोई इंजाम लगाने की कोशिश भी कर सकता है। साथ ही दोस्तों यश में मिली हुई संधि का पूरी तरीके से जो है फायदा ना उठा पाना आपके लिए जो है पछतावा दे सकता है। दोस्तों, आलस्य से दूर रहने की कोशिश करें। यदि काम करते समय आत्मविश्वास की कमी महसूस हो रही हो तो दोस्तों काम करते रहें, जैसे जैसे काम में प्रगति नजर आएगी वैसे वैसे आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय आपके लिए जो समय होंगे, घर में किसी धार्मिक आयोजन होने हेतु विचार विमर्श होगा और परिवार में भी कुछ समय से चली आ रही अस्वस्थता भी यशमय दूर होंगी, जिससे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण नियम भी आप बनाएंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। दोस्तों, मेहमानों के आगमन से यश में घर में चहल पहल भी रह सकती है। साथ ही दोस्तों यश में खर्च करते समय अपने बजट को नजरअंदाज ना करें, नहीं तो दोस्तों आपको बाद में पछताना पड़ सकता है। बाहरी व्यक्ति से झगड़ा या फिर अन्न बन होने जैसी स्थिति भी बन सकती है। बेहतर होगा कि फालतू की बातों में ध्यान ना देकर अपने कार्यों के प्रति आप अगर चित रहें, दोस्तों ये आपके लिए बेहतर होंगी। इसके उपरांत दोस्तों यश में भूतकाल से जुड़ी बातों से दूरियां रखने की कोशिश आपकी सफल रहेगी। भूतकाल की बातों को सोचते समय केवल उनके द्वारा आपको क्या अनुभव प्राप्त हुए हैं, इस बात पर ध्यान देना होगा। दोस्तों, खुद के द्वारा की हुई गलतियों के बारे में
जो है गिल्ट पैदा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों यश में अपने कार्यों के प्रति आप जो है एकाग्रचित रहें, ये आपके लिए सबसे उत्तम होगा। इसके बाद दोस्तों यश में अगर आपकी व्यवसाय यानी करियर को लेकर बात करें तो दोस्तों यश में वर्तमान स्थितियां जो आपके लिए हैं, वर्तमान व्यवसाय के अलावा अन्य क्षेत्रों पर भी अपना ध्यान केंद्रित रखेंगे। दोस्तों यश में कुछ नई उपलब्धियां मिलने की भी संभावना बन रही है। मशीनरी तथा लोहे से संबंधित व्यवसाय में किसी प्रकार की दिक्कत आ सकती है तो दोस्तों आप जब भी इनको लेकर कार्य करें तो सावधानी जरूर बरतें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों व्यवसायिक कार्यों में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की भी आपको आवश्यकता होगी। साथ ही दोस्तों थोड़ी सी असावधानी या फिर गलती बहुत अधिक खमियाजा आपको इससे भुगतना पड़ सकता है। दोस्तों यह समय जमीन जायदाद संबंधी व्यवसाय में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है, इसलिए दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे पूरा ध्यान को आप इनमें केंद्रित रखें, ये आपके करियर के लिए बेहतर होंगे। दोस्तों यश में करियर संबंधी बड़ा अवसर प्राप्त करने के लिए आपका वक्त और लगेगा, तो दोस्तों समय का इंतजार करें और उचित कार्यों को करने में आप सक्षम भी रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपके व्यवसाय के लिए, व्यवसाय की दृष्टि से समय चुनौतीपूर्ण होगा। यह समय अपनी कार्य क्षमता को साबित करने के लिए आपको जो है बहुत अधिक संघर्ष व फिर परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। दोस्तों परंतु विस्तार संबंधी जो भी योजनाएं रुकी हुई थी उनमें यश में गति आएगी और इनसे आपका मन भी काफ़ी अच्छा रहेगा। और दोस्तों इसके उपरांत यश में आपके कार्य क्षेत्र के लिए जो समय होंगे, कार्य क्षेत्र में आपको अपनी मेहनत और क्षमता के अनुरूप परिणाम भी हासिल होंगे। और परंतु दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव भी लाने की आवश्यकता होगी। नौकरी पेशा व्यक्तियों का ऑफिस में किसी बात को लेकर अधिकारियों के साथ वाद विवाद भी हो सकता है, तो दोस्तों इनसे सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यश में अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे आपके लव लाइफ के लिए, दोस्तों लव लाइफ के लिए दिन बेहतर होंगे। जीवन साथी की अस्वस्थता की वजह से घरेलू कार्यों में सहयोग करना आपसी संबंधों को और अधिक मजबूत करेगा। मित्रों के साथ व्यर्थ की बातों में समय को नष्ट ना करें, ये आपके लिए बेहतर होगी। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लिए जो समय होंगे, दोस्तों प्रेम प्रसंग यश में मर्यादा पूर्ण रहेंगे, परंतु दोस्तों किसी तीसरे व्यक्ति के कारण पति पत्नी में तनाव उत्पन्न हो सकता है, इसलिए इनसे सचेत रहें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों यह समय विवाहित जीवन ठीक रहेगा, परंतु विवाहेतर संबंधों में किसी प्रकार का खुलासा होने से दाम्पत्य जीवन पर थोड़ा सा असर पड़ सकता है, इसलिए दोस्तों सावधान रहें। इसके उपरांत दोस्तों यह समय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, आपके प्रेम जीवन के लिए जो समय होंगे, दोस्तों पारिवारिक वातावरण यश में सौहार्दपूर्ण और खुशनुमा रहेगा। और दोस्तों यश में अगर आपके स्वास्थ्य यानी सेहत को लेकर बात करें तो दोस्तों वाहन सावधानी पूर्वक यश में चलाएं, किसी भी प्रकार की रिस्क लेने से यश में आप परहेज करें। साथ ही दोस्तों ये जो समय होंगे आपके स्वास्थ्य के लिए, मौसम के बदलाव का नकारात्मक असर भी आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा, लापरवाही ना बरतें और अपना ध्यान यश में रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अति उत्तम होंगे। इसके उपरांत दोस्तों ये जो आपके लिए समय होंगे, जोड़ों में दर्द एवं वायु विकार संबंधी परेशानी रहेगी, ज़्यादा गरिष्ठ या फिर तेली भोजन करने से इसमें परहेज करें, ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए उत्तम होंगे। दोस्तों यह समय स्वास्थ्य शाम तक उत्तम होगा, परंतु दोस्तों अत्यधिक थकान की वजह से सिर दर्द और कमजोरी भी आपको महसूस हो सकती है। दोस्तों यश में आपका भाग्यशाली रंग रहेगा केसरिया और भाग्यशाली अंक रहेगा 9।